छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम सेमहरा में जब एक साथ 19 लोगों की अर्थी उठी तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार में शामिल सभी की आंखें नम हो गई। हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार हृदय विदारक रहा। एक ही चिता पर 10 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में बहापानी में हुए पिकअप हादसे में बैगा जनजाति के 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 12 लोगों ने पिकअप से कूदकर जान बचाई। सभी मृतक ग्राम सेमहरा के रहने वाले थे, जो पिकअप से जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो एक ही परिवार के थे। हादसे के वक्त पिकअप वाहन की गति बहुत तेज थी और हादसा वाहन के अनियंत्रित होने के चलते हुआ, जबकि ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते घटनास्थल पर ही 15 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के बाद में प्रशासन ने इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताते हुए कबीरधाम जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा, कवर्धा में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।